क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे हम सभी ने एक ना एक बार तो खेली है, पूरी मैच नहीं तो कम से कम एक शॉट तो मारी है किसी से बैट मांग के। अरे एक बार के लिए देना। पर भैया मेरा ओवर चल रहा है। अरे बस एक शॉट मारूंगा, देना। अरे पर भैया मेरा ना कह रहे फुटार बच्चा। शॉट से याद आया, क्रिकेट में अलग अलग शॉट्स के नाम होते हैं, जैसे स्ट्रेट ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव, पावर रेंजर ओवर ड्राइव। सॉरी, एक्चुअली मैं ये सब गूगल से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है कि ये सब अलग अलग शॉट्स के नाम है। यस, मेरी क्रिकेट की नॉलेज बहुत खराब है, लाइक सीरियसली बहुत खराब है। एक एग्जांपल देता हूँ, बचपन में जब मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई धोनी का स्क्वायर ड्राइव क्या मस्त था ना, तब मैं ये सोचने में लग जाता था कि साला धोनी क्रिकेट मैच में गाड़ी चला रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे बस इतना मालूम था कि ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो मुझे लगा चलाई होगी उसने गाड़ी, अमीर लोग है यार, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बॉल डालना रे। पर धोनी भाई आप गाड़ी से तो उतरो। ये तो बॉल डालना रे कुतरिया। अच्छा टिकट डालता हूँ। ये मारा मारा ये मारा। तो मेरे सारे दोस्तों को क्रिकेट का बहुत क्रेज है, खासकर आईपीएल, जब भी देखो बस आईपीएल की बातें करते रहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को बढ़िया विसल लड़ेंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, अब दुनिया हिला दे हम। अब क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा घुस जाते हैं इन बातों में कि अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक निकालने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को ऐसे देखेंगे जैसे मैंने उनका हनीमून खराब कर दिया है। तुम लोगों ने कल बेन 10 का नया एपिसोड देखा? तो मुझे काफी लेफ्ट आउट फील होने लगा, सो आई डिसाइडेड कि नहीं, अब से अपुन भी क्रिकेट देखेगा, क्योंकि मुझे भी कूल बनना था यार उनकी तरह। सो द नेक्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर रीचिंग होम इज वॉच अ क्रिकेट मैच। पूरी मैच नहीं देख पाया मैं, ऑब्वियसली बोर हो गया था, मुश्किल से 10 मिनट देखा होगा, बट मैंने इतना याद कर लिया था कि अपने दोस्तों के सामने जाके शो ऑफ कर पाऊं कि हाँ मैं भी क्रिकेट देखता हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। तो पहुंच गया दूसरे दिन दोस्त के पास शो ऑफ करने। तूने कल की मैच देखी? धोनी ने क्या शॉट मारा। हैं? कल कौन सी मैच थी? अबे तू क्रिकेट नहीं देखता क्या? कल CSK वर्सेस RCB की मैच थी, थोड़ा क्रिकेट विकेट देखा कर। वो मैच एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गया, कल हाइलाइट्स दिखा रहे थे। धोनी का कवर ड्राइव मस्त था ना? चूतिया। आई रिमेम्बर उस दिन बेइज्जती होने के बाद मैं कॉरिडोर में बच्चे पकड़ के धमका रहा था। ओए तू क्रिकेट देखता है? नहीं भैया। फिर क्या देखता है? बैंटन देखता हूँ भैया, फोर आर्म्स इज द बेस्ट। चुप है। बैंटन देखता है? क्रिकेट देखा कर, समझा? चल भाग। और सुन, एलियन एक्स बेटर है फोर आर्म से, समझा? अब मेरे क्लास में से 10-15 ने तो क्रिकेट की कोचिंग भी लेके रखी थी, शो ऑफ कहीं के। जाते थे रोज शाम को शरीर से 2 गुना बड़ा बैग लेके, सब होता था उसमें, बैट, ग्लव्स, पैड, वो नीचे पहनने वाला गार्ड। गार्ड से याद आया, मुझे लगता था कि गार्ड मुंह पे पहनते हैं क्योंकि वो मास्क जैसा दिखता है। आई नो इट्स स्टुपिड राइट, बट रियलाइजेशन तब हुआ जब मेरा एक दोस्त अपना गार्ड स्कूल में लेके आता है और मुझे बोलता है कि ये मास्क है पहन के देख। मुझे लगा सच में मास्क है। अबे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है बे इसमें से। वो इसीलिए क्योंकि इसको नन्नू में पहनते हैं। पानी पिएगा? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब इन कमीनों को देख के मैंने भी लगा ली क्रिकेट की कोचिंग। पीयर प्रेशर बोलते। चुप है। लेकिन सही में यार, पीयर प्रेशर में आके ना कभी भी चॉइसेस नहीं लेने चाहिए, नुकसान हमेशा तुम्हारा ही होगा, जैसे मेरा हुआ। मैंने पूरी 1 साल क्रिकेट की कोचिंग की है लेकिन कुछ घंटा नहीं सीख पाया मैं, इंटरेस्ट ही नहीं था। आज भी ना ढंग से बैटिंग आती है ना ढंग से बॉलिंग, शायद इसीलिए मेरे दोस्त कभी खेलते नहीं थे मेरे साथ। चिंटू आजा मेरी टीम में, और राजू भी आजा, अब बस एक और प्लेयर चाहिए। दादी माँ आप आ जाओ। क्रिकेट